डियर स्टूडेंट्स, हर साल लाखों स्टूडेंट्स सिर्फ एक सपने के साथ दिन रात प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों में लगे रहते हैं और वो सपना होता है एक अच्छा डॉक्टर बनने का। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स तो जरूर क्वालिफाई करते हैं लेकिन हजारों सपने अधूरे रह जाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इस एग्जाम में अपीयर करते हैं वो बहुत 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 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स अवेलेबल इन इंडिया। मे बी इस साल आप क्वालिफाई ना हो पाए पर फिर भी आप उतना ही अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं या फिर उससे भी बेटर डॉक्टर बन सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने साल भर सब कुछ सही किया था फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, डोंट फील डिजेक्टेड। देर आर मेनी फैक्टर्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली थी। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने दो बार, तीन बार या उससे भी ज्यादा बार ट्राई किया तब जाकर दे बिकेम सक्सेसफुल। तो आप अकेले नहीं हैं। इस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर अगर आपने सच्चे मन से सिर्फ एक ही सपना देखा है और वो है एक अच्छा डॉक्टर बनने का, तो आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। स्टूडेंट, आपको लगता है कि आपने इस साल बहुत ज्यादा मेहनत की थी फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, बिलीव मी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू गेट सेलेक्टेड। ये समय है अपने आप को रीइवैल्यूएट करने का और अपने मिस्टेक्स को जानने का और उनको करेक्ट करने का। मैं डॉक्टर राज सिंह अपने यूट्यूब चैनल सिटी ऑफ बायोलॉजी के थ्रू आप सभी की हर संभव मदद करने की कोशिश करता रहूंगा। विशिंग ऑल द मेडिकल एस्पिरेंट्स बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सबके मन में है कि कितने चांसेस हैं कि आप एक मेडिकल कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें कि नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स कितने हैं, सो माय आंसर इज दिस इज अ वेरी टफ जॉब टू क्वालिफाई फॉर अ मेडिकल कॉलेज। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो एक एवरेज स्टूडेंट जिसके पास एक एवरेज थ्रेशोल्ड इंटेलिजेंस है वो बहुत ही आसानी से मेडिकल कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर सकता है। व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज योर डेडिकेशन, व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज योर पैशन टू बिकम अ डॉक्टर, इज योर पैशन टू ट्रीट अ पेशेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप में वो सभी क्वालिटीज अभी से ही होने चाहिए जो कि एक डॉक्टर में होती है। एक डॉक्टर को कितनी बार रात रात भर अपने पेशेंट्स के लिए जगना पड़ता है, दे हैव टू सेक्रीफाइस देयर पर्सनल टाइम, देयर पर्सनल रिलेशंस फॉर देयर प्रोफेशंस। उनके लिए अगर कोई चीज प्रायोरिटी में है, कोई चीज फॉरमोस्ट है, तो वो है उनके पेशेंट्स का हेल्थ। क्या आप में भी है ये क्वालिटीज? क्या आप अपने एग्जाम्स के लिए रात रात भर पढ़ाई कर सकते हैं? क्या आप कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को साइडलाइन में रख सकते हैं? क्या आप अपने एंटरटेनमेंट्स को, फेस्टिवल्स को, सेलिब्रेशंस को कुछ दिनों के लिए भूल सकते हैं? अगर आप में है ये डेडिकेशन, आई एम 100% श्योर दैट वेरी सून यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। दिस इज अ हार्श फैक्ट या फिर एक कड़वा सच है कि 90% ऑफ यू कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर। एवरीवन can't become a doctor, everyone can't sacrifice so much, everyone cannot make so many lifestyle changes and this is normal। aapke paas aur bhi bahut sare professions hain jiske through aap society ke liye bahut acha kaam kar sakte hain। to agar main summarize karna chahu ki what are your chances to become a doctor, to usse pehle मेरा आपसे क्वेश्चन है,
कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आप कितना डिवोट कर सकते हैं अपने लाइफ को इस मेडिकल प्रोफेशन के लिए। अगर आप में है वो डेडिकेशन, वो पैशन टू बिकम अ डॉक्टर, तो जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से जिसका नाम है सिटी ऑफ बायोलॉजी। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस डेडिकेशन को कभी भी कम होने नहीं दूंगा।